हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद, वेलकम टू डिफेंस विद्यालय। तो चलिए, आज की क्लास में हम हमारे जो इम्पोर्टेंट जो सिनोनियम्स है वो डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले कोस्ट गार्ड एयरफोर्स नेवी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट डाले हैं जो कई पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर डाले हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट डाले हैं जो आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर डाले हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगे पूरी देखकर बता देना एंड में, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके कमी बता देना कमेंट बॉक्स में, भाई ये कमी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है एक्सप्लिसिट। क्या वर्ड हमारे पास सबसे पहला? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का हमारे पास क्या होता है? कोई भी चीज जो बिल्कुल क्लियर होती है, क्लियर मतलब जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल होती है जो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लियर। अगला वर्ड देखते हैं हम सैड। सैड का मतलब सबको पता होता है, क्या होता है? उदास होता है। इससे रिलेटेड एक वर्ड है जो नेवी में आ चुका है, ग्लोमी। ग्लोमी आ चुका है, जिससे रिलेटेड क्या है ये? ग्लोमी। ठीक है, ग्लोमी है, ग्लोमी से रिलेटेड। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है? कोशियस। कोशियस का मतलब हमारे पास क्या होता है? सावधान। क्या होता है? कोशिश का मतलब है सावधान। कोशिश का मतलब हमारे पास क्या होता है? सावधान। ठीक है, यानी जो बंदा के हो क्या हो? केयरफुल हो। जो बंदा क्या हो? केयरफुल हो। ठीक है, जो बंदा काफी केयरफुल हो। ठीक है, अगला हमारे पास एग्जोरबिटेंट। एग्जोरबिटेंट का मतलब हमारे पास होता है कोई भी चीज जो एक्सपेंसिव है। कोई भी चीज जो एक्सपेंसिव है। ठीक है, कोई भी चीज जो एक्सपेंसिव है। ठीक है, और या एक्सेसिव यानी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, एक्सपेंसिव है या ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में है या एक्सेसिव है। ठीक है, क्लियर है, ये इसका एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है। ठीक है, अगर आपको कोई किसी वर्ड में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, क्लियर है ये इंपॉर्टेंट ग्लोमी वाला, याद रखना भाई, ये नेवी 2019 में आ चुका है। ग्लोमी वाला नेवी 2019 में ये वर्ड ग्लोमी वाला आ चुका है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? शेड होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? वो व्यक्ति जो काफी मेहनती हो। क्या हो? मेहनती हो, हार्डवर्किंग हो। ठीक है, हार्डवर्किंग हो। ठीक है, उसे बोलते हैं डिलीजेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या सिनोनिम हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस इसका क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस का मतलब भी हमारे पास क्या होता है? जो बंदा काफी मेहनती हो। ठीक है, जो बंदा काफी मेहनती हो। ठीक है, उसके बाद ये बताने की कोई जरूरत है नहीं। ये देखिए, मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? जो काफी बिल्कुल विनम्र हो। जो व्यक्ति काफी क्या हो? विनम्र हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मोडेस्ट। क्या बोलते हैं? मोडेस्ट। ठीक है, बिल्कुल शांत स्वभाव का बंदा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास डिजर्ट। डिजर्ट देखिए, अब इस वर्ड को मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। डिजर्ट देखिए, एक तो होता हमारे पास ये डिजर्ट, एक मतलब होता है डेजर्ट। क्या होता है? डेजर्ट। इसका मतलब हमारे पास, इसके भी दो मतलब होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? दो मतलब। इसका मतलब तो बिल्कुल जिसमें डबल एस आए, यानी स्वीट। डबल एस आए, स्वीट। ट्रिक याद रखने की, मतलब इसका मतलब हमारे पास होता है स्वीट डिश। क्या होता है? स्वीट डिश। क्या होता है? स्वीट डिश यानी स्वादिष्ट मिठाई। ठीक है, स्वादिष्ट मिठाई को हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो डेजर्ट होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। अगर ये नाउन के रूप में होना, नाउन के रूप में, तो इसका मीनिंग होगा रेगिस्तान। क्या होगा? रेगिस्तान। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? रेगिस्तान होगा। और अगर ये वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास होता है लीव, मतलब त्यागना, छोड़ना। ठीक है, त्यागना, छोड़ना, अबेंडन, फोरसेक। ये मैं जो लिखवा रहा हूं ये साथ साथ लिख दीजिए, क्या है? फोरसेक, अबेंडन, लीव मतलब छोड़ना। अगर ये किसके रूप में है? वर्ब के रूप में है। ठीक है, और अगर ये नाउन के रूप में है, मतलब नाउन के रूप में, तो ये शुरू में मिलेगा, मतलब शुरू में सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा ये। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्या थी? वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के बाद अगर ये आए तो इसका मतलब हमारे पास होता है लीव, मतलब त्यागना। और यही सब्जेक्ट बन जाए तो ये क्या बन जाएगा? नाउन। सब्जेक्ट तो दो चीज हो सकती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? रेगिस्तान होगा। क्लियर है, आई होप आपको ये बेसिक सी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अबेंडन मैंने बता ही दिया, मतलब त्यागना। इससे रिलेटेड एक और याद रखना, फोरसेक, जो अभी मैंने बताया है। ब्रोथ। ब्रोथ मतलब हमारे पास कहता है जो सूप हम पीते हैं। क्या बोलते हैं? सूप बोलते हैं हम, जो सूप पीते हैं। ठीक है, सूप। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। क्लियर है डेजर्ट वाला? अगर नहीं क्लियर तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और एग्जांपल के साथ मैं क्लियर करता हूँ आपको डिटेल में। ठीक है, अगला देख, एफिलिएट।
एफिलिएट का हमारे पास क्या होता है, हम नहीं पढ़ते कि मतलब कोई भी स्कूल लगा लो, जैसे दिस स्कूल इज एफिलिएट, और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या होती है, एफिलिएट टू सीबीएसई, मतलब ये सीबीएसई बोर्ड से क्या है, एफिलिएट है। एफिलिएट का तो हमारे पास कहता है एसोसिएट है, क्या है, जुड़ा हुआ है, एसोसिएट है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास एसोसिएट, ठीक है। तो इसके साथ प्रीपोजिशन याद रखना क्या आती है, टू आती है, एफिलिएट के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है हमारे पास, टू प्रीपोजिशन आती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें स्कोपी है, स्कोपी का मतलब किसी को कॉपी करना, मतलब सेम उसकी चीजें अपने मतलब यूज करना उसकी, ठीक है। कॉपी का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक बढ़िया याद रखना इसी रिलेटेड इसका सिनोनिम इमिटेट आ चुका है एग्जाम में 2-3 बार, इमिटेट, क्या, इमिटेट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमिटेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, कॉपी करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, भेदभाव, क्या होता है, भेदभाव किसी तौर पर हो, या जातिगत तौर पर हो, या लैंगिक तौर पर हो, किसी भी तरीके का क्या हो, या कलर में भेदभाव हो, तो उसे बोलते हैं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट। ये वर्ड आपको काफी जिड्डे में काफी हेल्प करेंगे, जो एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें ये वर्ड आपके काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला देखते हमारे पास क्या है, प्लेसिड। प्लेसिड का हमारे पास क्या होता है, जो व्यक्ति काफी प्लेसिड हो, जो व्यक्ति काफी शांत हो, उसे हम बोलते हैं प्लेसिड, क्या होगा, प्लेसिड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है, जो बंदा काफी शांत हो, काफी काम हो, ठीक है, प्लेसिड। अब देखिए इसमें ये जो वर्ड डिस्कस करने योग्य है, अब्रप्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज अचानक हो जाना, अब्रप्ट मतलब अचानक हो जाना, कोई भी चीज सडन हो जाना, ठीक है, सडनली या सडन, ठीक है। रिवोक मतलब इसको याद कैसे रखेंगे, रिवोक को, रिवोक का मतलब हमारे पास होता है कैंसिल करना, भाई जो हमारे फार्मर है वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो तीनों बिल आए हैं इनको क्या कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, ठीक है, तो रिवोक, ठीक है, क्या आएगा इसका, रिवोक का मतलब हमारे पास क्या होता है, कैंसिल करना होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला देखते हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। भाई ये आया था एयरफोर्स 2020 जो नवंबर में हुआ था, जो कोरोना की वजह मार्च में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में नवंबर में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी, मतलब इंटीग्रेशन जैसे आप एक्स ग्रुप के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता हुआ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब हमारे पास था जोड़ना, यानी एकता, जोड़ना मतलब जोड़ेंगे तो क्या होगी, एकता होगी, यूनिटी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी। और डिफरेंशिएशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, तोड़ना, जो दो चैप्टर पढ़ते हैं हम मैथ में एक्स ग्रुप वाले बच्चे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब इसमें सिमेट्री का मतलब हमारे पास क्या होता है, समरूपता, मतलब थोड़ा एक जैसा रूप हो जाना, सेम रूप होना, समरूपता। कोऑर्डिनेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हमारे पास, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अगला अपीयर। अपीयर का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज हमें क्या होना, प्रतीत होना, यानी प्रतीत होना, क्या होता है, प्रतीत होना, यानी सीम, दिस सीम्स लाइक, ऐसे नहीं बोलते हम, दिस सीम्स लाइक ए स्टार, मतलब यह एक तारे जैसी प्रतीत हो रही है, कोई भी चीज होगी तो दिस सीम्स मतलब प्रतीत होना, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हमारे पास सीज का हमारे पास क्या मतलब होता है, सीज का मतलब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब देखिए आप, इसका लैप्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो मतलब थोड़े समय के लिए क्या हो जाए, वीक हो जाए, थोड़े समय की क्या हो जाए, वीक हो जाए, ठीक है, थोड़े समय के लिए क्या हो जाए, वीक, मतलब कई बार नहीं बोलते भाई उस देश की आर्मी है वो क्या हो गई, मतलब वीक हो गई थोड़े समय के लिए, लैप्स कर गई उस देश की आर्मी युद्ध में, लैप्स कर गई, मतलब बिकम वीक फॉर सम टाइम, क्लियर है, बिकम वीक फॉर सम टाइम, ठीक है। तो इसका सीज मतलब, और सीज का मतलब हमारे पास क्या होता है, मतलब स्टॉप, यानी रोकना, ठीक है, किसी चीज को रोकना उसे बोलते हैं, या बंद कर देना, यानी स्टॉप, ठीक है, रोकना। अगला देखते हैं हमारे पास क्या होता है, अगला है कैजोल। कैजोल का मतलब हमारे पास क्या होता है, कैजोल का मतलब हमारे पास क्या होता है, चापलूसी करना, कैजोल का मतलब हमारे पास क्या होता है, चापलूसी करना,
ठीक है, चापलूसी करना। तो इससे रिलेटेड एक वर्ड और है कोएक्स, इससे रिलेटेड एक वर्ड और हमारे पास क्या है कोएक्स, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब हमारे पास क्या होता है चापलूसी करना होता है, फ्लैटर का मतलब हमारे पास क्या होता है चापलूसी करना होता है, ठीक है, क्या होता है चापलूसी करना होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा परस्युएड, परस्युएड का मतलब हमारे पास क्या होता है किसी को मनाना, ठीक है, मनाना को क्या बोलते हैं हम किसी को मनाना परस्युएड। इंसिस्ट मतलब किसी बात पर जोर देना, क्या जोर देना, किसी बात पर जोर देना। रिकमेंड मतलब उसने, उस व्यक्ति ने उस बंदे का नाम रिकमेंड किया, मतलब उसके लिए क्या लगाई सिफारिश लगाई है, तो सिफारिश लगाना या सिफारिश देना, क्लियर है। तो कैजुअल आपका इंपॉर्टेंट है, कैजुअल से रिलेटेड एक वर्ड आपको कोएक्स भी याद रखना, कोएक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है चापलूसी करना होता है यानी फ्लैटर होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, फ्रेग्रेंस मतलब रोज, फ्रेग्रेंस मतलब रोज का जो फूल है उसकी फ्रेग्रेंस यानी सुगंध, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में सुगंध। और एरोमा का मतलब भी हमारे पास क्या होता है यही होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, एरोमा का मतलब हमारे पास क्या होता है यही होता है, ठीक है। और साइट का मतलब हमारे पास क्या होता है एबिलिटी टू सी, देखने की क्षमता, एबिलिटी टू सी, ठीक है, क्या होगा ये होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास 11 नंबर सिनोनिम हमारे पास क्या है, फिक्टिटस, क्या ये फिक्टिटस, फिक्टिटस का मतलब हमारे पास क्या होता है कोई बात जो काफी क्या है बनावटी है, क्या है बनावटी है, कोई बात जो काफी क्या है बनावटी है या मन घड़त, क्या बोलेंगे मन घड़त, क्या बोलेंगे मन घड़त, तो यानी ये बनावटी तो क्या है गलत है यानी फॉल्स है, बनावटी तो यानी वो क्या है गलत है यानी फॉल्स है, इसका हो जाएगा ये। उसके बाद फ्रेल, फ्रेल का हमारे पास क्या होता है जो काफी क्या हो वीक हो, फ्रेल का मतलब हमारे पास क्या होता है जो काफी क्या हो वीक हो, ठीक है, क्लियर है। वीक यानी दुर्बल हो, क्या हो काफी दुर्बल हो, ठीक है, क्लियर है, जो काफी वीक हो दुर्बल हो, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अबसीन, ऑब्सीन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम अबसीन, क्या बोलेंगे अबसीन, अबसीन का मतलब हमारे पास क्या होता है मतलब अश्लील, क्या होता है अश्लील, ऐसी जिस इसका नाम है ऐसी इसका मतलब है अश्लील, जो फिल्म में कई फिल्मों में अश्लील रोल दिखा देते हैं अश्लील बोलते हैं, ठीक है, यानी इनडिसेंट, डर्टी नहीं करना, मैं डर्टी तो क्लीन का अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्लीन साफ और डर्टी गंदा, ठीक है, ये कूड़ा करकट के मतलब उस रूप में प्रयोग हुआ, ठीक है, इसका नाम हमारे पास इनडिसेंट। और इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा डिसेंट, क्या होगा इसका एंटोनियम डिसेंट, क्लियर है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी कोई चीज दिखाना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डिसेंट, ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा इनडिसेंट, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास इमिटेट, मैंने पहले ही उसमें वर्ड में बताया था आपको, इमिटेट मतलब किसी को कॉपी करना, क्या करना किसी को कॉपी करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक ये अल्यूड, अल्यूड का हमारे पास क्या होता है किसी को कोई बात इनडायरेक्ट वे में कहना, किस वे में इनडायरेक्ट वे में कुछ बात कहना किसी को इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं कहा उसने माफी फिराकर इनडायरेक्ट वे में उस बंदे को ये बात कह दी, ठीक है। इमीडिएट का मतलब हमारे पास कॉपी, एल्यूड का मतलब इनडायरेक्ट वे में कोई बात कह देना, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है डेफर, डेफर का मतलब हमारे पास क्या होता है कोई भी चीज को डेफर कर दिया यानी उसको पोस्टपोन करना, क्या करना उसको पोस्टपोन करना, उसको क्या करना पोस्टपोन करना यानी डेफर, डेफर का हमारे पास क्या होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पोस्टपोन करना, ठीक है, क्लियर है। और इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब याद रखना पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब भी हमारे पास क्या होता है पोस्टपोन करना ही होता है, पुट ऑफ का मतलब हमारे पास क्या होता है पोस्टपोन करना ही होता है, ठीक है, क्लियर है। एडजर्न का मतलब भी हमारे पास पोस्टपोन करना होता है, एडजर्न का मतलब हमारे पास क्या होता है पोस्टपोन करना होता है, एडजर्न का मतलब भी पुट ऑफ और एडजर्न, ठीक है, पुट ऑफ और एडजर्न का मतलब हमारे पास ये सेम मतलब होता है, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, एडजर्न का मतलब हमारे पास क्या होता है पोस्टपोन करना होता है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है, अब देखिए डिफाई का मतलब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड और दे रखा हमें डिफाई, डिफाई का मतलब हमारे पास क्या होता है किसी को कहना मानने से मना कर देना यानी रिफ्यूज टू ओबे, किसी
किसी की आज्ञा मानने से मना कर देना, रिफ्यूज टू ओबे, रिफ्यूज टू ओबे, क्लियर है, रिफ्यूज टू ओबे, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिफाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफाई बोलते हैं, क्लियर है आपको। इंडिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट, इंडिफरेंट मतलब हमारे पास हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल, जो बंदा काफी उदासीन हो, बंदे से लगा लो, या जैसे हम नहीं बोलते भाई ये क्या है, न्यूट्रल है, मतलब ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज, यानी बीच का ही, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, यानी उदासीन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। डेफर इंपॉर्टेंट है, डेफर रिलेटेड मैंने आपको बताया पोस्टपोन, पोस्टपोन से रिलेटेड मैंने एक आपको फ्रेजल वर्ब बता दी पुट ऑफ, और पुट ऑफ का एक और मैंने सिनोनिम बता दिया एडजर्न, क्या बता दिया एडजर्न, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इसको। अगला देते हैं हमारे पास पायस, पायस का मतलब हमारे पास क्या होता है, धार्मिक, क्या होता है पायस का मतलब हमारे पास धार्मिक, क्या होता है, धार्मिक यानी रिलीजियस, क्या होता है पायस का मतलब हमारे पास होता है धार्मिक यानी रिलीजियस, क्लियर है। एफ्रेड मतलब किसी को फ्राइटन यानी डराना, एफ्रेड मतलब किसी को डराना यानी फ्राइटन, किसी को डराना, ठीक है, फ्राइटन किसी को डराना, सैक्रेड, ठीक है, सैक्रेड। फेथफुल आपको पता ही होगा, फेथफुल मतलब विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके, ठीक है। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति, क्या, सहानुभूति, ठीक है, क्लियर है। मुझे पूरी उम्मीद आपको ये क्लास बिल्कुल यहाँ तक अच्छी लग रही होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड आपको आ गए, और इंपॉर्टेंट वर्ड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब इनमें से आपको एग्जाम में मिल सकता है, और भी क्लासेज हम लेकर आएंगे, ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो भाई और क्लास लेकर आओ, ठीक है। एबोलिश, एबोलिश का तो हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, क्या कर देना, कैंसिल कर देना। एक मैंने कैंसिल का क्या बताया था आपको, रिवोक ही बताया था पिछले जो वर्ड में, क्या होता है, ऐसे याद करेंगे हम, जैसे एक वर्ड से रिलेटेड कोई एक दूसरा ध्यान में आ जाए तो यहाँ लिख देंगे, तब ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। जैसे इमिटेट का बताया था मैंने, कॉपी करना पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। ऐसी वोकैब रिवीजन से होगी, वोकैब ट्रिक ट्रैक तो कुछ वोकैब होगी, होती है ट्रिक, कुछ नहीं होती, इंग्लिश में हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम बचपन में हर चीज को याद करते थे वैसे याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बात है बोले तो वोकैब का आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन वो रट्टा भी समझ के, रट्टा भी ऐसे नहीं लगाया जाता, ठीक है, समझ कर रट्टा वोकैब को। तो रिवोक का हमारे पास क्या होता है, कैंसिल करना, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, कैंसिल करना, ठीक है। अगला देखते हमारे पास क्या है, वेनिस, वेनिस का हमारे पास होता है एकदम गायब हो जाना, क्या होता है, गायब हो जाना यानी एकदम डिसअपीयर हो जाना, ठीक है, क्लियर है। डिक्रीज, ये यहाँ पर सॉरी इंक्रीज कर लेना, दो इन सिनोनिम लिख, डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी कर लेना, इसका तो मतलब वेनिस का हमारे पास क्या होता है, डिसअपीयर होता है यानी गायब हो जाना। रिवील का हमारे पास होता है, रिवील मतलब डिस्क्लोज द सीक्रेट, मतलब कोई बात है उसको रिवील कर दिया, मतलब इस बात को डिस्क्लोज कर दिया, क्लोज मतलब बंद करना, डिस्क्लोज मतलब उस बात को बता दिया सबको, ठीक है। टू सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट बात है, कोई भी बात है उसको क्या करना है, रिवील करना, मतलब रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्या है, सप्रीशियस, क्या ये सपूरियस, क्या है सप्यूरियस, सप्यूरियस क्या बोलेंगे इसको, स्प्यूरियस, सप्यूरियस का तो हमारे पास क्या होता है, जाली, अवैध, जाली या कोई भी चीज जो काफी है, स्पूरियस मतलब अवैध यानी फेक हो, क्या है, फेक है। सिंसियर मतलब क्या होता है, ईमानदार, इनको नोट करके आप, मॉडेस्ट का मैंने पहले बता दिया, विनम्र व्यक्ति, काफी विनम्र, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता रहता है, क्या होता है, जो अपने आप होता है, यानी कोई इसकी इसको करने की कोई प्लानिंग नहीं होती, मतलब नॉट प्लान्ड नहीं होती हमारी रिएक्शन होती थी केमिस्ट्री में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब इसका कोई प्लान नहीं है, अपने आप होती रहती है, ठीक है, जो अपने आप होता रहता है, ऐसे लिखिए, अपने आप जो होता रहता है, ठीक है, क्लियर है। स्पूरियस इंपॉर्टेंट है, फेक जाली, जैसे नहीं बोलते स्पूरियस नोट यानी फेक जाली नोट, अवैध, ठीक है, और सिंसियर मतलब ईमानदार, क्लियर है। अगला देखिए क्या हमारे पास, ये देखिए इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, कोरस, कोरस का हमारे पास क्या होता है, खुरदरा, इसका अगर मैं वो देखूं वर्ड तो इसका हमारे पास क्या होता है, खुरदरा होता है, तो इसमें कौन सा सिंसियर, तो ये पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन वर्ड छोड़िए आप, अगर इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, मतलब इसमें ये ऑप्शन सही नहीं लिखे गए, मतलब पिछले वाले दो पिछले वाले की लिखी गई, और सी डी में शायद इसका आंसर था, कोरस का हमारे पास क्या होता है, खुरदरा होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हमारे पास, इसका वर्ड छोड़िए, अगला क्या है,
अकेस्टी, क्या ये अकेस्टिसी, अकेस्टिसी क्या ये अकेस्टिसी, आप मतलब प्रोनाउंसिएशन भी कहिए अकेस्टिसी, अकेस्टिसी मतलब परमानंद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, परम आनंद मतलब बहुत ज्यादा खुशी। तो खुशी के लिए तो एक ही वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, जोए, क्या दिख रहा है जोए। क्लियर है। इकोनॉमिकल मतलब जो चीज काफी इकोनॉमिकल हो, किफायती, क्या हो किफायती। एक्लिप्स मतलब नहीं बोलते, आज सन एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है ग्रहण, एक्लिप्स मतलब हमारे पास क्या होता है ग्रहण होता है, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म हमारे पास क्या होता है उग्रवाद, क्या होता है एक्सट्रीमिज्म उग्रवाद, मतलब कोई लड़ाई लुड़ाई मचाना गुस्से में होकर, उग्रवाद बोलते हैं, मतलब हिस्ट्री में ये वर्ड कई बार आता है उग्रवाद, मतलब युद्ध याद होना, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। हमारे पास क्या होता है उग्रवाद, ठीक है। अकेस्टेसी का हमारे पास क्या होता है परम आनंद मतलब जोए, फुल खुशी, ठीक है, क्लियर है, फुल हैप्पीनेस, क्लियर है। और मैंने इसका मतलब एक्लिप्स का हमारे पास क्या बताया, सन एक्लिप्स, मून एक्लिप्स मतलब ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, क्लैंडेस्टीन, क्या है ये हमारे पास क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन क्या है क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन हमारे पास क्या होता है कोई भी चीज जो गुप्त है यानी सीक्रेट, क्या होता है हमारे पास है सीक्रेट, क्लैंडेस्टीन का हमारे पास क्या होता है सीक्रेट, क्लैंडेस्टीन का हमारे पास क्या होता है सीक्रेट होता है, ठीक है, क्लियर है, मतलब जो भी चीज काफी गुप्त बात है, कोई सीक्रेट बात है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है फैच, फैच का हमारे पास होता है कोई भी चीज लाना यानी ब्रिंग, कोई भी चीज लाना मतलब फ्रेच, फैच मतलब ब्रिंग, क्या ब्रिंग, ठीक है। अब देखिए टेक ऑर्डर मतलब इसमें स्कूप, स्कूप क्या होता है हमारे पास, जिसके हम क्या बोलते हैं कलछी, या मतलब बिल्कुल देसी भाषा में आपको बताऊं तो क्या होता है कलछी बोलते हैं, कलछी मतलब ये इसमें जैसे जो आइसक्रीम मतलब हम आइसक्रीम लेते हैं जो आइसक्रीम वाला उसमें आइसक्रीम में वो आइसक्रीम डालता है ना हमारी, जिससे उस जिस चम्मची का यूज करता है, चम्मची होती है एक चम्मच जैसी होती है उसका जो यूज करता है उसे बोलते हैं कलछी यानी स्कूप बोलते हैं उसको, ठीक है, क्लियर है। फैच मतलब ब्रिंग लाना, ठीक है। अगला देखिए इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है आग्रह करना, क्या होता है आग्रह है करना, एक सेकेंड इरेजर का यूज कर लेते हैं हम, क्या होता है इसका मतलब हमारे पास है इंसिस्टेंस का मतलब, इंसिस्टेंस का मतलब हमारे पास होता है आग्रह करना, क्या करना आग्रह करना, इंसिस्टेंस का हमारे पास होता है आग्रह करना यानी अर्जिंग, क्या होता है अर्जिंग, इंसिस्टेंस मतलब आग्रह करना अर्जिंग। अगला देखिए कवीर, कवीर का हमारे पास क्या होता है जो बंदा काफी क्या हो अजीब हो, क्या हो जो बंदा काफी अजीब हो स्ट्रेंज हो, काफी क्या हो स्ट्रेंज हो विचित्र हो, ये वर्ड ही विचित्र है ऐसे याद कर लीजिए, वर्ड ही क्या है कवीर विचित्र वर्ड है बिल्कुल, इसका मतलब भी क्या होगा विचित्र होगा, याद करने ठीक बता रहा हूं मैं ये, यानी स्ट्रेंज कवीर मतलब हमारे पास क्या होगा स्ट्रेंज, क्लियर है। अगला हमारे पास क्या है क्विल, किसी चीज को मोड़ना, क्विल मतलब हमारे पास क्या होता है किसी चीज को मोड़ना, मतलब ऐसे तो इंग्लिश में मतलब एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग है लेकिन जो एग्जाम में पूछा था मैं वो बता रहा हूँ, क्विल मतलब हमारे पास क्या होता है मोड़ना, ठीक है। और हमारे पास पीर मतलब हमारे पास क्या होता है पी डब्ल्यू आर मतलब समान पद का, मतलब जैसे समान ओहदे का या समान पद का, समान मतलब एक जैसा पद का, जैसे अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो दूसरा मतलब ये प्राइम मिनिस्टर है तो ये इसका दूसरा ही प्राइम मिनिस्टर है, दोनों एक दूसरे क्या हुए पीर बोले जाएंगे, ठीक है, ठीक है पीर बोले जाएंगे, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी लगा लीजिए और जो उनके जो बाइडन जी लगा लीजिए अमेरिका के, ये दोनों मतलब ये तो राष्ट्रपति है वहां का, ये हमारे देश का पीएम है, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पीएम है, तो ये दोनों पीर नहीं हुए, लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ये बात ही क्या है राष्ट्रपति है ये भी राष्ट्रपति, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए पीर बोल सकते हैं, पी डब्ल्यू आर पीर मतलब सेम पद पर, इनका पद क्या है समान है, ठीक है। पीप मतलब हमारे पास क्या होता है लिटिल पीप मतलब थोड़ी सी झलक, क्या होता है झलक ग्लाइम्स, ठीक है क्लियर है झलक, क्लियर है। अगला हमारे पास क्या है 25 नंबर इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का हमारे पास क्या होता है आजादी, लिबरेट आजाद, इमेंसिपेट हमारे पास था आजाद, और इमेंसिपेशन का हमारे पास था आजादी, इमेंसिपेशन
का मतलब हमारे पास होता है लिबरेशन यानी आजादी, फ्रीडम फ्रीडम, और ये इमेंसिपेट का मतलब होता है आजाद यानी लिबरेट। क्लियर है क्या होगा, लिबरेट है, ठीक है। और इसमें एक ये फ्रेजल वर्ड रखी वर्न आउट, वर्न आउट का मतलब होता है घिसा हुआ, क्या होता है घिसा हुआ, यानी जो घिस चुका काफी काम करके घिस चुका है, टायर्ड थक चुका है, ऐसे टायर्ड ही पूछा जा सकता है इसका क्या होता है, टायर्ड जो काफी थक चुका है। क्लियर है, अगला देते हमारे पास 26 नंबर, अभी हमारे आधे ही हुए हैं, 25 हुए, और 25 के साथ हमने एक साथ साथ वर्ड भी डिस्कस किया, हमने 50 कर लिए क्यों, हमने ऑप्शन भी डिस्कस किया शायद शायद, ठीक है क्लियर है। अगला देखते हमारे पास क्या है, डिमाइस मतलब कई बार अखबार नहीं पढ़ते भाई, आज वह नेता डिमाइस ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर मतलब किसी भी पढ़ते, जैसे थोड़े दिन पहले अब यूपी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, डिमाइस ऑफ कल्याण सिंह अभी हुए हैं, मतलब हाल ही में 2-3 दिन पहले हुए शायद, यानी डेथ क्या होता है इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, डेथ होता है, ठीक है, डिमाइस मतलब हमारे पास क्या होता है, डेथ होता है यानी मरना। अगला देखिए मृत्यु, एडवर्सिटी 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 हमारे पास क्या होता है, दुर्भाग्य, क्या होता है दुर्भाग्य, एडवर्सिटी हमारे पास होता है दुर्भाग्य, क्या होता है दुर्भाग्य यानी मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी मतलब होता है दुर्भाग्य यानी मिसफॉर्च्यून, और इस एडवर्सिटी का हमारे पास क्या होता है विरोधी, क्या होता है विरोधी यानी ये इसका सिनोनिम ओपोनेंट, क्या होता है विरोधी, ओपोनेंट एडवर्सरी ओपोनेंट, या बोल सकते हैं एंटागोनिस्ट, जो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है विरोधी, एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। एक और वर्ड जैसे इसलिए एक वर्ड है बेलिजिरेंट, बेलिजिरेंट का हमारे पास कहता है जो काफी लड़ाकू हो, बेलिकोज हो, बेलिकोज भी ये होता है यानी जो लड़ाकू हो मतलब लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, रेडी टू फाइट, ये एंटागोनिस्ट भी इसमें आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा ये इसमें भी आता है, एडवर्सरी हमारे जो विरोधी आपका बात बात पर विरोध करे उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट या ओपोनेंट, क्या बोलते हैं ओपोनेंट। क्लियर है, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, ये लग पॉजिटिव वर्ड रहा है लेकिन है ये नेगेटिव वर्ड, दुश्मनी एनिमिटी, एनिमिटी मतलब हॉस्टिलिटी यानी, ठीक है क्लियर है। अगला देखते हमारे पास क्या, एडवर्सिटी मतलब दुर्भाग्य है। अगला क्या, मंडेन, मंडेन बिल्कुल साधारण चीज, मंडेन मतलब हमारे पास होता है बिल्कुल साधारण चीज यानी बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज, म्यूजिकल तो आपको पता ही होगा संगीत में हो गया, क्वेस्ट मतलब हमारे पास होता है सर्च डिस्कवर या सर्च, क्वेस्ट मतलब हमारे पास होता है सर्च, मैंडेटरी मतलब जो चीज क्या हो कंपलसरी हो, क्या हो बिल्कुल कंपलसरी हो जो चीज, ठीक है। इसका एंटोनियम पूछे तो ऑप्शनल हो जाएगा, ऑप्शनल का मतलब हमारे पास होता है ये चीज करो चाहे ना करो, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी हमारे पास ये चीज हमें करनी ही करनी है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मैंडेटरी यानी अनिवार्य, क्या बोलेंगे अनिवार्य, ठीक है क्लियर है। अगला देखते हैं 29 नंबर को क्या, ग्लोमी, पहले वर्ड भी बता दिया था मैंने जब मैंने पहला कराया, तो ग्लोमी हमारे पास क्या होता है सैड यानी उदास, नेवी 2019 में ये वर्ड आ चुका है, ग्लोमी मतलब सैड, ठीक है। गे मतलब होता है समलैंगिक, क्या होता है समलैंगिक मतलब एक जैसे पुरुष पुरुष महिला महिला, समलैंगिक, ठीक है, क्या होता है समलैंगिक, ठीक है। फोरलन, फोरलन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे फोरलन, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है एक सेकंड, इसकी स्पेलिंग क्या होगी एफ ओ आर एल ओ एन होगी शायद, फोरलन, फोरलन का मतलब हमारे पास क्या होता है जो बंदा काफी लोनली और अनहैप्पी हो, लोनली एंड अनहैप्पी भी, अकेला और ना खुश हो, मतलब जो खुश ना हो काफी दुखी हो, फरलन, क्या बोलेंगे फरलन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको फरलन, इसको हम बोलेंगे लोनली एंड अनहैप्पी, तो ग्लोमी आ चुका है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हमारे पास क्या है, डिसग्रेस मतलब किसी का अपमान करना, अपमान करना, अपमान करना, जेलिसी तो हमारे पास क्या हो, ये तो हो नहीं सकता, हमारे पास जेलिसी मतलब जलन, जलन से मतलब शर्म, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन कौन सा लगा, डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड, आप बताइए जल्दी सोचकर, देखिए अपमान करना मतलब उसकी रिस्पेक्ट और टेस्ट बताना, इसका होगा डिसरिस्पेक्ट, और डिसरिगार्ड का मतलब उसको रिगार्ड में नहीं लेना, मतलब नेगलेक्ट कर देना, क्या कर देना नेगलेक्ट कर देना, क्या कर देना उसको नेगलेक्ट कर देना, मतलब उसको मानना ही नहीं, ठीक है क्लियर है। अगला देखते हमारे पास क्या है, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब जो बंदा क्या हो काफी मतलब हिंसक हो, क्या हो हिंसक हो, ठीक है, स्ट्राइकिंग मतलब जो काफी
हिंसक हो, ठीक है, जो प्रहार करे, प्रहार करे, जो स्ट्राइकर में भाई प्रहार भी होता है हिंसक भी होता है, यानी वॉयलेंट, क्या होता है वॉयलेंट, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हमारे पास क्या है, और ऐसे ही बोल सकते हैं हेटफुल भी होता है शायद, इसका प्रहार करे नहीं, इसका क्या होगा वॉयलेंट होगा, ठीक है, क्लियर, मतलब जो काफी क्या हो हिंसक हो, ठीक है, प्रहार करे जो, ठीक है। अगला देखते हमारे पास फियास्को, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, हिंदू वोकैबुलरी का, मतलब जो हिंदू का न्यूज़पेपर होता है उसमें बहुत कई बार आता है ये वर्ड फियास्को। फियास्को हमारे पास क्या होता है फेलियर, क्या होता है फेलियर, क्या होता है फेलियर, क्या होता है फेलियर। फेस्ट मतलब दावत पर, किसी को दावत पर बुलाना, ठीक है, और कई बार इसका फेस्टिवल के रूप में भी यूज होता है, फेस्टिवल के रूप में, क्योंकि भाई फेस्टिवल पर हम सभी को क्या होता है दावत पर बुलाते हैं, यानी दावत बनाते हैं, ठीक है, फेस्टिवल के रूप में यूज हो सकता है फेस्ट का, अगर आपको ऑप्शन है फेस्टिवल है तो फेस्टिवल करना, और वैसे इसका फेस्ट का मतलब आ रहा है हिंदी में क्या होता है दावत, ठीक है, क्या होता है दावत। अगला देखते हैं हमारे पास फलंग, फलंग मतलब किसी चीज को फेंकना, क्या करना फेंकना, यानी थ्रू, किसी को चीज को फेंकना यानी थ्रू। एक वर्ड और इसमें इंपोर्टेंट सपैट, सपैट मतलब हमारे पास क्या होता है कहा सुनी, दो व्यक्तियों के बीच में सपैट यानी कहा सुनी, दो व्यक्ति के बीच में सपैट यानी कहा सुनी फेंकना, ठीक है, साथ ही साथ नोट करते जरूर चलें और एक दो बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना। अगला क्या हमारे पास रिडीम, रिडीम का हमारे पास कहता है किसी को बचाना या छुड़ाना, वो भी पैसे देकर, क्या देकर पैसे देकर, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा सेव, किसी को बचाना, क्लियर है। अगला है बिल्कुल इजी जी, इनोसस, क्या ये इसका हमारे पास कहता है आरम लेस, जो अहानिकारक हो, हार्म लेस, अहानिकारक, इनोसस यानी हार्म लेस। ह्यूमरियस का हमारे पास क्या होता है, मतलब जो बंदा हमेशा क्या बोलते हैं हास्यपूर्ण हो, मतलब उसका ऐसे नहीं बोलते, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, यानी हास्यपूर्ण, कॉमिकल, मतलब जो कॉमेडी करता रहता है यानी कॉमिकल, ठीक है, सिंपैथेटिक मैंने बता दिया था आपको सानुभूति, ठीक है। अगला देखिए रिडिकुलस, दिस थिंग इज वेरी रिडिकुलस यानी भद्दा, क्या भद्दा यानी अब्सर्ड का इंपॉर्टेंट है भाई, एनडीए में आ चुका है, एनडीए में दो या तीन बार आ चुका है अब्सर्ड, मतलब और अब्सर्ड दिया मिलेगा, और इसका सिनोनियम था रेडिकुलस, क्या था रेडिकुलस, ठीक है। डिस्पोसेबल, डिस्पोसेबल मतलब हमारे पास किसी को देने योग्य, यानी किसी को सौंपने योग्य, सौंपने योग्य, डिस्पोजल योग्य, ठीक है। मॉकिंग मतलब, मॉक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। इनिग्मेटिक, इनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है रहस्यमय, मिस्टीरियस, क्या होता है मिस्टीरियस, इनिग्मेटिक का हमारे पास क्या होता है मिस्टीरियस यानी रहस्यपूर्ण, क्या होता है रहस्यपूर्ण। अगला देखिए ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है जो बंदा का ट्रैंक्विलिटी तो होती है शांति यानी पीस, अगर ट्रैंक्विलिटी पूछे तो, और ट्रैंक्विल होता है शांत, क्या होगा शांत, इसलिए डे बताया था मेरे पीछे प्लेसिड का मतलब हमारे पास क्या होता है काम होता है प्लेसिड, ऐसे याद होगी प्लेसिड का हमारे पास क्या होता है शांत होता है, ठीक है क्लियर है। अगला देखते हमारे पास क्या है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ, जो चीज क्या हो यूजलेस हो, व्यर्थ हो, ठीक है, यानी इसका हमारे पास क्या हो जाएगा यूजलेस। अगला देखते हमारे पास डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आप बताइए क्लोथिंग तो इसका नहीं हो सकता, मतलब उस क्लोथिंग का हमारे पास क्या हो गया जो कपड़े कपड़े पहनना हो गया क्लोथिंग, तो डिस्गस्ट का हमारे पास होता है हेट यानी घृणा, और सेम इंपॉर्टेंट है भाई ये सेम मीनिंग इसका होता है लोथिंग का, इसका मतलब भी हमारे पास हेट होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है हेट होता है, ठीक है। कलर डिस्गस्ट मतलब डिस्गस्टिंग मतलब हेटफुल, घृणा योग्य, डिस्गस्टिंग नहीं बोलते कई बार, ठीक है, तो डिस्गस्ट मतलब हेट घृणा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है एनिमिटी, ये भी नहीं बताया तो आपकी क्लास में ध्यान नहीं है, एनिमिटी हॉस्टिलिटी बताया था, दुश्मनी हॉस्टिलिटी, और दुश्मन होता है हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, इसका एग्जाम में अनफ्रेंडली ऑप्शन में मिलेगा, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है हमारा, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास ओडेसिटी, ओडेसिटी हमारे पास क्या होता है साहस, बोल्डनेस,
साहस, डेरिंग, बोल्डनेस, डेरिंगनेस, डेरिंगनेस, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब एंग्री, क्या हो जो काफी गुस्सा हो, एंग्री, ठीक है, एंग्री, फ्यूरियस मतलब हमारे पास क्या होता है, एंग्री, जो काफी गुस्सा हो, ठीक है। और कुछ भी मेरे से कोई मतलब गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्या पता जल्दी जल्दी में मेरे से कोई गलती हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास रिकम्पेंस, रिकम्पेंस मतलब हमारे होता है क्षतिपूर्ण, मतलब पश्चाताप या जो उसकी हानि बढ़ना, जो पहले तो मतलब कुछ कर दिया उसने, फिर उसकी क्षतिपूर्ति की, क्षतिपूर्ति की यानी कंपनसेशन, कंपनसेशन का मुआवजा ही बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मुआवजा, मतलब कई बार हमारी फसल क्या होती है, मुआवजा मतलब हमारी क्षति जो हमारी हानि हुई है उसकी पूर्ति करती है, तो इसको बोलते हैं मुआवजा ही बोल सकते हैं, ठीक, रिकम्पेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एपोलॉजी मतलब क्षमा, माफी, क्षमा या माफी, उसे बोलते हैं एपोलॉजी, ठीक है। फ्राइगल, फ्राइजल मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो काफी क्या हो, नाजुक हो, डेलिकेट, डेलिकेट इंपॉर्टेंट है, डेलिकेट हमारे पास होता है जो चीज काफी क्या हो, नाजुक हो, तो जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, इसका वीक नहीं होगा, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं, नहीं, वीक नहीं होगा इसका, डेलिकेट का हमारे पास क्या होता है, नाजुक, जो चीज आसानी से तोड़ी जा सके, ब्रिटल, क्या होता है, ब्रिटल, BRITLE, ब्रिटल, यानी ब्रेकएबल, ब्रेकएबल जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास फर्गामेंटेड हमारे पास, जो चीज जिसके टुकड़े टुकड़े हो रखे, फर्गामेंटेड हमारे पास क्या होता है, खंडन, खंडित बोल सकते हैं, जिसके खंड हो रखे हो, खंडित यानी टुकड़े टुकड़े, यानी टुकड़े टुकड़े, क्लियर है। अगला क्या हमारे पास सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट का हमारे पास क्या, जो बंदा सर्कमस्पेक्ट हो यानी कोशियस हो, और कोशियस का मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया था, पहले में था शायद, कोशियस का हमारे पास क्या होता है, सावधान, सावधान, केयरफुल, ऑनेस्टल, ये कॉन्टेंट आपको पता ही है, ठीक है। अगला परमिटिव, परमिटिव चीज होती है जो काफी प्राचीन समय की हो, प्राचीन, अगर इसका एंटोनियम पूछे तो मॉडर्न हो जाता है, लेकिन हमें पूछा सिनोनियम, तो क्या हुआ, एंशियंट, एंशियंट हमारे पास क्या होता है, प्राचीन, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्लियर है। अगला टायर या टीर, क्या बोलते हैं इसको, टायर मतलब सतर, क्या होता है, सतर यानी उसका लेवल, क्या होता है, उसका लेवल, क्या होता है, उसका लेवल, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास होता है बी आर टी एच, बर्थ, एक तो बी आई आर टी एच होता है, बी आई आर टी, इसको जन्मदिन, जन्म होता है, इसका हमारे पास होता है घाट, जहां पर जहाज खड़ी होती है, ठीक है, जहां पर जहाजे, पानी वाली जहाजे खड़ी होती है, घाट, ठीक है। सेडेंट्री, सेडेंट्री हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो काफी क्या हो, सुस्त हो, जो बंदा काफी सुस्त हो, सुस्त के लिए एक मेरे याद है लिथार्जी, लेथार्जी, ये भी इंपॉर्टेंट, लेथार्जी, जो बंदा काफी क्या हो, लेथार्जी हो, सुस्त हो। और स्लगिश का हमारे पास क्या होता है, शेम होता है, स्लगिश का हमारे पास जो बंदा सुस्त हो, ठीक है। स्लैश, स्लैश मतलब किसी की क्या करना, आलोचना करना, बहुत कड़ी आलोचना करना, स्लैश मतलब किसी की आलोचना करना, वो भी बहुत कड़ी आलोचना करना, ठीक है, बिल्कुल बहुत कड़ी आलोचना करना, ठीक है। अगला प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस का मतलब जो बंदा काफी क्या हो, जिद्दी हो, जिद्दी हो, क्या हो, काफी जिद्दी हो, ठीक है, क्या हो, काफी जिद्दी हो, यानी जिद्दी के लिए एक वर्ड होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट आ चुका, ऑब्स्टिनेट, एनडी में भी आ चुका है, तो ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ऑब्स्टिनेट, इसका स्टबर्न, क्या होगा इसका, स्टबर्न, ठीक है। ट्रिम्यूलेस का नाम होता है जो बंदा क्या हो, डरपोक हो, क्या हो, ट्रिम्यूलेस मतलब डरपोक, क्या हो, डरपोक, स्टूपिड पता है, स्टिंगिंग मतलब जो बंदा हो क्या हो, कंजूस, कंजूस, निगार्ड, मीजर, ये इसके क्या है, सिनोनियम है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको इंपॉर्टेंट वोकैब देने की, ये क्लास अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो एक क्लास ऐसी बहुत सारी क्लासें लेकर आएंगे हम, जिसमें हम मतलब डिस्कस करेंगे हमारी इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने 50 करा दी, 50 के साथ एक दो और हमने डिस्कस किया, ऑप्शन के साथ कई चार ऑप्शन ने डिस्कस किए, तो ऐसे कर आपकी 100 तो हो गई होगी, 100 वोकैब तो आपकी आज तैयार हो गई होगी, ठीक है।
ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।